हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम आज लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं आइए देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल गिवन है हमें कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कंप्यूट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल डब्लू, जो कि हमेशा किस में रहता है, इन ग्राम, अपॉन में क्या होता है, एम मास नंबर, मॉलिकुलर मास रहेगा यहाँ पर, इनटू वी यानी वॉल्यूम हमेशा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, तो स्मॉल डब्लू की वैल्यू दी गई है 1.4 ग्राम। उसके बाद में यहाँ पर M की बात करते हैं, तो मास किसका नंबर आएगा, मास नंबर आएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो हमारा इधर वॉल्यूम लिख लेते हैं 500 मिलीलीटर। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 अपॉन में 1000, ये लीटर में हो गया। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, मोलरिटी एम इक्वल टू क्या है, डब्लू 1.4 ग्राम अपॉन में एम कितना दिया गया है, 14, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500, वी की वैल्यू 500 अपॉन 1000, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इधर हो गया 1000। ठीक है, ये कट गया दो बार में गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट रहा, पूरा पूरा कट रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा, मोलरिटी हमारी आ जाएगी 0.2 m। ठीक है, ये इसकी मोलरिटी आ गई। तो पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल दिया गया, 9 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर वाटर, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पर भी हम फार्मूला, अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 ग्राम, और M निकालेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास टोटल कितना हो जाएगा, तो ये होता है 180। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया 100 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 अपॉन 1000, ये अब लीटर में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एम इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्या हो जाएगा, एम इंटू वी, एम इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ डब्लू की वैल्यू कितनी देगी, 9 ग्राम अपॉन में, एम का जो मास नंबर आया वो कितना हो जाएगा, 180, और वॉल्यूम 100 अपॉन 1000 है, तो पलट के 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1 2 1 2, 0 से 0 हमारे कट गए। ठीक है, 9 1 9 9 2 18, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 m, तो ये इसकी मोलरिटी रही। तो हमने दो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया, अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग 58.5 ग्राम NaCl इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें इसकी मोलरिटी फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले डिजिट कौन कौन सी दी गई, तो स्मॉल डब्लू बराबर दिया गया 58.5, उसके बाद में हम M निकालेंगे, M मतलब NaOH, NaOH का जो मॉलिकुलर मास निकालेंगे, तो ये कितना होगा, 23 प्लस, और सॉरी NaCl का है, यहाँ पर NaCl का निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर देखिएगा 23, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, ऐड कर दो, 8 पॉइंट लगा दो, 5 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5, 58.5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। आप देखो क्या करेंगे, और वी वॉल्यूम कितना दिया गया, 1000 मिलीलीटर, मतलब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड, तो वी इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ये आ गया।
मोलरिटी फाइंड करना है तो मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में, तो ये लीटर में होगा क्योंकि मिली लीटर से हमने लीटर में चेंज किया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, डब्ल्यू कितना दिया गया 58.5 अपॉन में, एम कितना दिया गया 58.5 और इंटू वी, तो ये पूरा पूरा कैंसिलेट हो जाएगा तो वन बचेगा भाई यहाँ पर। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा वन, यानी इसकी जो मोलरिटी होगी वो वन होगी।